सब्सक्राइब करें, थैंक यू। दोस्तों आज हम लोग व्हील और एक्सल के बारे में जानेंगे अपने इंडियन रेलवे का। सबसे पहले जानेंगे हम लोग विड्थ ऑफ व्हील, व्हील का जो विड्थ होता है वो कितना होता है, 127 mm विड्थ होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे व्हील का डायमीटर, व्हील का डायमीटर जो होता है वो न्यू कंडीशन में 915 mm और कंडेम कंडीशन में 825 mm होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्सल कैपेसिटी कितना होता है, एक्सल कैपेसिटी जो होता है वो नन एसी का 13 टन और एसी का 16 टन होता है। चार नंबर हम लोग जानेंगे जर्नल के बारे में, जर्नल कैसा होता है, जर्नल जो होता है वो डायरेक्ट माउंटेड होता है, इसका जो एरिया होता है वो 120 × 130.5 mm होता है। उसके बाद जर्नल का सेंटर जो होता है वो कितना होता है, वो 2159.5 mm होता है। परमिशिबल डायमीटर वेरिएशन इन व्हील, व्हील का जो डायमीटर का वेरिएशन होता है वो सेम एक्सल में, सेम बोगी में और सेम कोच में कितना कितना होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले कोचिंग के बारे में जानते हैं, कोचिंग में सेम एक्सल में वेरिएशन 0.5 mm होता है और सेम बोगी में 5 mm होता है, फिर सेम कोच में 13 mm का होता है। इसके बाद हम लोग जाने में गुड्स ट्रेन में, गुड्स ट्रेन में क्या होता है, गुड्स ट्रेन में सेम एक्सल में होता है 0.5 mm का वेरिएशन, सेम बोगी में होता है 13 mm का और सेम वगन में होता है 25 mm का। दोस्तों थैंक यू, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें।